केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता ने कर संबोधित कया भारत कई क्षेत्र में बनियो आत्मनिर्भर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत जयपुर में राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो करियो जावेलो आयोजित। राजस्थान समेत देशभर की 132 कंपनियां और व्यापारिक समूह लेवेला इनमें भाग। भारतीय रेलवे में 2014 पाछे वियो चोखो परिवर्तन। ब्रॉडगेज नेटवर्क माथे लगभग 97% विद्युतीकरण रो काम वियो पूरो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में मिली जीत के पाछे भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पुगिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष में थे। दक्षिणी अफ्रीका का तेज गेंदबाज केगिसो रबाड़ा ने छोड़ियो पाछे। और प्रदेश का तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर और फतेहपुर में 6.6 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घने मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कया कि देश में मैन्युफैक्चरिंग माथे आधारित विकास ने बढ़ावो मिलियो है। वटे ही लाडला 10 वर्षा में मेक इन इंडिया कार्यक्रम लोगों में विश्वास जगायो है। नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका पीयूष गोयल कया के वैश्विक पटल माथे भारत गुणवत्ता वाला देश का रूप में उभरियो है। वे कया कि भारत कई क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनियो है। 10 वर्ष में मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने एक पूरे देश में अलग अलग चीजों को लेकर लोगों को विश्वास दिलाया है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। यहां तक के डिफेंस सेक्टर में भी, कहां एक जमाने में अधिकांश चीजों पर हम दुनिया के ऊपर निर्भर थे, अब स्थिति पूरी उल्टी होकर अधिकांश चीजें देश में बनने लगी है। यहां तक के यहां का निर्यात भी बढ़ते जा रहा है। और ये कहानी कोई अपने आप से नहीं बनी है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे स्मार्टफोन्स हो, चाहे हमारा बढ़ता हुआ प्रभाव दुनिया की फॉर्चून 500 कंपनीज की डिजाइन और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में हो, ये सब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत में विकास हुआ है। ये जो इमर्जिंग सेक्टर्स में भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है, ये एक अलग अलग नीतियां जिनको जोड़ के जब देखा जाए तो ध्यान में आता है कैसे एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम भारत में निर्माण हुआ है। आप कल्पना करिए, अगर डिजिटल इंडिया 2015 में नहीं लॉन्च होता और उसके कारण भारत में कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक आज 4G की कनेक्टिविटी नहीं होती, और अब तो जिस स्पीड पे 5G जा रहा है, अगले वर्ष तक तो पूरे देश में 5G पहुंच जाएगा और 125 शहरों में तो आज भी 5G का उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा नेतृत्व में जयपुर में आयोजित हो रिया राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो रो भी आयोजन करियो जावेलो। इनमें राजस्थान और देशभर की 132 कंपनियां और व्यापारिक समूह भाग लेवेला। रिको लिमिटेड रा प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह बताया कि यो एक्सपो उद्यमिता री राजस्थानी भावना और पारंपरिक क्षमता वारे साथे साथे राजस्थान ने एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति रा रूप में प्रदर्शित करण रो एक अनूठो अवसर है। वे बताया कि इन दौरान राज्य सरकार कानीसू शुरू करेगी कई योजनावा ने प्रदर्शित करियो जावेलो। इनरे साथे ही ग्रामीण परिदृश्य ने बेहतर बनावा और शहरी सुविधावा ने पुनर्जीवित करबा माय योजनावा रा प्रभावारी भी जानकारी इनमें दी जावेली। राइजिंग राजस्थान के मद्देनजर राजधानी जयपुर ने स्वच्छ और सुंदर बनावा खातर प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव अधिकारिया ने विशेष निर्देश जारी करिया है।
प्रमुख सचिव समयबद्धता रे साथे साथे काम करवा और सगली तैयारी ने बेगो पूरो करण रे माथे जोर दियो है। वे कया के सार्वजनिक ठोरा माथे खास रूप से स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए जावेलो। राजेश यादव पुलिस विभाग ने शहर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए राखवा खातर प्रभावी कदम उठावा रो भी आह्वान करियो है। इन दौरा रे साथे ही ट्रैफिक व्यवस्था ने सुधारवा माथे खास ध्यान देवारा भी निर्देश जारी करिया गया है। भारतीय रेलवे यात्रियारी सुविधा रे साथे साथे आधुनिकता माथे भी जोर दे रियो है। 2014 रे पाछे देश में रेलवे री स्थिति में चोखो परिवर्तन वियो है। इन दौरान भारतीय रेलवे ब्रॉडगेज नेटवर्क माथे लगभग 97% विद्युतीकरण रो काम पूरो कर लियो है। वटे ही आधुनिक तकनीक रा इस्तेमाल सु ट्रेन दुर्घटनावा में भी कमी दर्ज करी की है। भारतीय रेलवे लगातार विकास के नए आयाम बनाता जा रहा है, चाहे फिर वो यात्रियों के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं का विस्तार हो या फिर आधुनिक होती प्रणाली, दिन ब दिन रेलवे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने ब्रॉडगेज रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण मिशन मोड में शुरू किया हुआ है। 2014-15 से भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क पर लगभग 45,200 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जबकि 2004 से 2014 के दौरान लगभग 1.42 किलोमीटर प्रतिदिन के मुकाबले 2023-24 के दौरान लगभग 19.7 किलोमीटर प्रतिदिन तक विद्युतीकरण में बड़ा उछाल आया है। वर्तमान में भारतीय रेलवे के कुल बीजी नेटवर्क का लगभग 97% विद्युतीकरण हो गया है। खास बात यह है कि जहां इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है, तो दूसरी तरफ डीजल ट्रैक्शन की तुलना में लगभग 70% अधिक किफायती भी है। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों से दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। 2014-15 में 135 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी, जो 2023-24 में घटकर 40 रह गई हैं। इन दुर्घटनाओं के कारणों में मुख्य रूप से ट्रैक में खराबी, लोको कोच में खराबी, उपकरणों की खराबी, मानवीय त्रुटियां आदि शामिल हैं। खास बात यह है कि 2004 से 2014 के दौरान रेल दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष औसतन 171 रहीं, जो कि 2014 से 2024 की अवधि के दौरान घटकर प्रतिवर्ष औसतन 68 रह गई हैं। भारतीय रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसी क्रम में मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस साल 31 अक्टूबर तक 6,608 स्टेशनों पर पॉइंट और सिग्नल के केंद्रीकृत संचालन के साथ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान 11,053 लेवल क्रॉसिंग गेटों की इंटरलॉकिंग की गई है, जबकि 6,619 स्टेशनों की पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग की गई है। वहीं ट्रेन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कवच को भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जो कि एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच का उद्देश्य खतरे पर सिग्नल पार करने वाली ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करना और टकराव से बचाना है। सिरोहिरा आबुरोड माए आदिवासिया ने एम्स जोधपुर का निशु स्वास्थ्य सेवावान ने लेर नई सौगात मिली है। अठे एम्स जोधपुर सेटेलाइट ट्राइबल सेंटर आदिवासिया खातर वरदान साबित वेरियो है। पेश है सिरोही सु मा का संवाददाता साकेल गोयल री आ रिपोर्ट। आबू रोड में एम्स जोधपुर की ओर से आदिवासी समुदाय के लिए निशुल्क उपचार और जांच सेवाएं प्रदान करने के लिए सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर की शुरुआत की गई है। यह केंद्र पूरे भारत में एम्स की ओर से संचालित अपनी तरह का पहला केंद्र है, जिसे विशेष रूप से आदिवासी समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के मरीज पहुँच रहे हैं, जिनका निशुल्क जांच और उपचार किया जा रहा है। सेंटर के माध्यम से हमने टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं का उपचार स्टार्ट किया है, और जिसके अंतर्गत अभी तक हमने 6,000 से ज्यादा मरीजों को सक्सेसफुली उसमें देखे जा चुके हैं। और इसके अलावा इस सेंटर के अंतर्गत EMRS स्कूल्स में बच्चों की स्क्रीनिंग हर्ष प्रोग्राम के अंतर्गत करी गई है, जिसमें हमने सारे EMRS के पूरे EMRS के स्कूल्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अभी ढाणी एक तरीके की आउटरीच प्रोग्राम है, जिसमें हम हर शनिवार को जाकर के एक शिविर लगाते हैं और जो आसपास के लोग होते हैं वो आकर के इसका लाभ उठा रहे हैं।
ट्राइबल एरिया में 10,000 से भी ज़्यादा लोग इस सेंटर से लाभान्वित हो चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इस सेंटर के माध्यम से एम जोधपुर इन ट्राइबल एरियाज के भाई बहनों की सेवा करता रहे। सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर आबू रोड के द्वारा एम जोधपुर के अधीन बहुत सारे प्रयोग चलाए जा रहे हैं, जैसे टेलीमेडिसिन, फील्ड टेलीमेडिसिन, ध्यानी स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत टोटल 10,000 से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। जैसे कि टेलीमेडिसिन में अभी से हम 6,000 से ज्यादा लोगों को टेली कंसल्टेशन दे चुके हैं एम जोधपुर के कंसल्टेंट के साथ जुड़ के। इसके अलावा हम ढाणी में 3,500 से ज्यादा लोगों को और स्कूल स्वास्थ्य में 1500 से ज्यादा बच्चों का अभी तक निरीक्षण और इलाज हो चुका है। इसके अलावा भी ट्राइबल हीलर्स जो गाँवों में जो ग्रामीण लोगों में जो ट्रेडिशनल पद्धति से जो इलाज करते हैं उनके साथ मिलकर भी हम कुरुतियों को खत्म करने का और जो मिथ्स होते हैं उनको खत्म करने का हम काम कर रहे हैं और जागरूकता स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से और जागरूकता शिविरों के माध्यम से समाज के अंदर स्वास्थ्य को लेकर जो कुरुतियां हैं उनको हम हटाने का कोशिश कर रहे हैं। सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है और मरीजों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से एम्स जोधपुर के विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सुविधा भी दी जा रही है। गंभीर मामलों में मरीजों को जोधपुर रेफर कर वहां भी निशुल्क इलाज प्रदान किया जाता है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इस पहल से उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। मैं दूसरी अस्पतालों से बहुत दाद और खुजली थी, दूसरी अस्पतालों से बहुत घुमापन फायदा नहीं हुआ, एम्स की दवा लेने से मेरे को फायदा हुआ और मेरा गैस एसिडिटी का बीमारी थी पहले से और मैं बहुत डॉक्टरों के पास गया था और मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई थी। मैं एम्स के डॉक्टरों के द्वारा मुझे इस बात का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। कमर में दुख रहा था, खांसी थी, बहुत अस्पताल में घुमा था, सब इलाज नहीं हुआ, हमसे डॉक्टर के पास गया, इलाज हो गई। यह केंद्र न केवल आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है बल्कि केंद्र सरकार की ओर से आदिवासियों को इलाज की सुविधा मुहैया कराने की योजना कारगर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। खबर खेल सु है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में मिली जीत के पाछे भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष माते पूग गया है। पहला टेस्ट में 8 विकेट लेवन वाला बुमराह दक्षिणी अफ्रीका का तेज गेंदबाज केगिसो रबाडा ने पछाड़ दियो है। शीर्ष 10 गेंदबाजा में भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और रविन्द्र जडेजा भी शामिल है। अश्विन नंबर 4 जबकि जडेजा 7वीं ठोर माते है। खबर मौसम सु है। प्रदेश का तापमान में उतार चढ़ाव रो जो दौर है वो चल रही है। कुछ शहरा माए तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है तो वटे ही कुछ शहरा रे माए ने तापमान स्थिर बनियोड़ो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर उत्तरी जिला माए 29 नवंबर ताई कोरो छायो रेवना री संभावना जताई है। लाड़ला 24 घंटा री बात करा तो लाड़ला 24 घंटा माए सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर फतेहपुर माए 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी गयो। वटे सिरोई माए 8.4, संगरिया माए 8.7 और राजधानी जयपुर माए 14.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करी गयो है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबर एक और फेरो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता ने करिया संबोधित, कया भारत कई क्षेत्र में बनियो आत्मनिर्भर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत जयपुर में राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो करियो जावेलो आयोजित। राजस्थान समेत देश भर की 132 कंपनियां और व्यापारिक समूह लेवेला इनमें भाग। भारतीय रेलवे में 2014 पाछे वियो चोखो परिवर्तन, ब्रॉडगेज नेटवर्क माथे लगभग 97% विद्युतीकरण रो काम वियो पूरो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में मिली जीत के पाछे भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पुग्या आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष में थे। दक्षिणी अफ्रीका का तेज गेंदबाज केगिसो रबाडा ने छोड़ियो पाछे। और प्रदेश का तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी, सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर फतेहपुर में 6.6 डिग्री सेल्सियस करी गयो दर्ज।
प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म रा खेतर में कदम राखता थका हाल ही में वेब सीरीज शुरुआत करी है। यो डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शका ने एक पूरो इन्फोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। अगर थाने भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो थे भी डाउनलोड कर सको वेब्स एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर टू QR कोड जरिए भी वेब्स ने डाउनलोड कर सको हो। इंडिया अलावा डीडी राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप पटे भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर रो बुलेटिन अठे पूरो हो। आप देखता रहिए।